अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस्लामियत के नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने फोर्थ क्लास के इस्लामियत के एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। बेसिक मैथ का पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ से लेकर एट तक। आप लोग उनको ही देख लें, जस्ट वीडियो को जो मैंने अपलोड की हुई है बेसिक मैथ की, तो आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। उनकी प्रैक्टिस कर लें, उनके जो जो पॉइंट्स आप लोगों को मुश्किल लग रहे हैं उनके नोट्स बनाते जाएँ, ताकि जब तक जॉब्स आएँ तो आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए। मेरी कोशिश यही है कि एजुकेटर्स की जॉब्स आने से पहले पहले मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डाटा प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए, आप लोगों को कोई एकेडमी ज्वाइन ना करनी पड़े। ये इस बुक से मैं एमसीक्यूज करवाती हूँ, ये एजुकेटर्स की ही बुक है। इसके अंदर सारे एमसीक्यूज सॉल्व किए हुए हैं तकरीबन आलमोस्ट बुक्स के। अगर आप लोगों के पास बुक्स हैं तो आप लोग उधर से करते रहें, अगर बुक्स नहीं ली हुई आप लोगों को नहीं मिल रही तो आप लोग इधर से ही डेली बेसिस पर करते रहें, तब भी आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। फिर भी आप लोगों को कोई बुक या कोई नोट्स रीड करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप लोग इनको भी अच्छे से कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मिराज, मिराज के मायने हैं, ये मिराज किसे कहते हैं, ये दो एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों ने इनको देखते जाना है। अगर नोट्स बनाने हैं नोट्स बना लेंगे, स्क्रीन शॉट लेके इनको आप लोग अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये वाले एमसीक्यूज बीपीएससी एफपीएससी एफआई हर किस्म के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये वाला टॉपिक। इसके जो रिपीटेड एमसीक्यूज होंगे बीपीएससी के, वो मैं अंडरलाइन कर दूँगी, उनको अच्छे से कर लेना। अब है कि मिराज बुलंदी पर चढ़ने को कहते हैं, नेक्स्ट है कि मिराज का वाक्या, ये दो एमसीक्यूज बन सकते हैं कि किस साल पेश आया या किस महीने में पेश आया, तो दोनों आप लोगों ने दोनों लिहाज से आप लोगों ने तैयार कर लेना कि मिराज का वाक्या नबूवत के 10वें साल और रजब की 27 रात को पेश आया। मिराज के कितने मरहले हैं, मिराज के दो मरहले हैं, इनके नाम क्या क्या हैं कि एक इसरा और दूसरा मिराज। अब फर्स्ट है कि इसरा, वो मरहला है जिसमें अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक लेके गए। नेक्स्ट है कि मेराज, मस्जिद अक्सा से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी रात आसमान और फिर उससे ऊपर के सफ़र के लिए ले जाया गया। नेक्स्ट है कि मस्जिद अक्सा को बैतुल मुकद्दस भी कहती है, ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। जिस जानवर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र किया इसे क्या कहते हैं, इसे बुराक कहते हैं। अब ये आसमानों पर जिस जिस नबी से मुलाकात हुई उसकी डिटेल है, जैसे ये लिखे हुए हैं इनको वैसे ही याद कर लेना कि पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा और यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, और छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जिस तरतीब से ये लिखे हुए हैं इनको इसी तरतीब से आप लोगों ने क्या कर लेना है, याद कर लेना है। नेक्स्ट है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहाँ तक सफ़र किया, सिदरतुल मुंतहा तक सफ़र किया। नमाज कब फ़र्ज़ हुई या किस मौके पर फ़र्ज़ हुई, नमाज मिराज के मौके पर फ़र्ज़ हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत करवाई बैतुल मुक़द्दस में, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम किस मुकाम से आगे ना जा सके, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं जा सके। नेक्स्ट है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँखों की ठंडक करार दिया है नमाज को, बैतुल मामूर एंड ऊपर वाकया है खाना काबा के। तो ये हमने आज एमसीक्यूज इसके कवर कर लिए हैं, आप लोग इनको अच्छे से याद कर लें, एक बार भी आप लोग रीड कर लेंगे तो याद हो जाएंगे आप लोगों को। अगर इनके नोट्स बना लेंगे तो वो और भी अच्छी बात है, फिर तो आप लोगों को भूलेंगे नहीं। ऐसे ही हम डेली बेसिस पे हम इस्लामियत कवर कर लेंगे, एक से दो वीडियो में मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूं, ताकि आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाए।